अलंकार में जो दूसरा प्रमुख अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, चार अनुप्रास यमक उपमा रूपक में से दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यमक अलंकार। कौन सा बेटा? यमक अलंकार। देखिए बेटा इसके बारे में देखिए, यहां पर क्या है बेटा, इससे पहले अनुप्रास में शब्द मतलब एक वर्ण रिपीट हो रहा था, जैसे चा और यहाँ पर टा, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा शब्द एक पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग होगा। एक ही वर्ड मतलब शब्द जब पहले होगा फिर वही शब्द उसमें दोबारा होगा, एक ही लाइन में शब्द एक ही होगा, बोलने में बिल्कुल एक ही होगा, लिखने में बिल्कुल एक ही होगा, लेकिन मतलब दोनों बार अलग देगा, मतलब दोनों बार अलग देगा, वही बेटा यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण करते हैं, पहले देखो काली घटा का घमंड घटा, बेटा देख रहे हो क्या है, घटा दो बार आया, एक बार ये आया देखो काली घटा, फिर आया घमंड घटा। अब इनमें दोनों में क्या अंतर है भाई, काली घटा का घट इस यहां पर हो गया बादल, ये वाली घटा तो बादल हो गई, और घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ, बात समझ में आई, मतलब शब्द एक ही है लेकिन दोनों बार इसका अंतर क्या हुआ, अलग अलग हुआ, बात समझ में आ गई बेटा। अगला उदाहरण देखो और समझ में आएगा, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, इसका क्या मतलब, देखो बेर दोनों बार रिपीट हुआ ना, अब इसमें क्या हुआ बेटा, इस वाला बेर और उस वाले बेर का अंतर क्या है, लिखने में सेम, दिखने में सेम, लेकिन मतलब है दोनों बार अलग अलग, जैसे तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बार, यहाँ पर क्या हो गया, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, जैसे बोलते हैं मैं एक टाइम खाता हूँ, मैं दो टाइम खाता हूँ, मैं तीन टाइम वर्जिश करता हूँ, ये क्या हो गया, तीन बेर खाती थी मतलब तीन बार खाती थी, तीन टाइम खाती थी वो, बस आज क्या करती है, तीन बेर खाती है, यहाँ पर बेर कौन सा हो गया, फल, शबरी वाला फल हो गया ना, जो शबरी चक्कर के लाती थी, तो क्या कहते हैं, पहले तो बेचारी तीन तीन टाइम खाया करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ तीन बेर खाती है पूरे दिन में, समझ में आ गया, देखो यहाँ का बेर और यहाँ के बेर में क्या हो गया, अंतर हो गया, इसी यही था बेटा आपका यमक अलंकार।